जिए और जवाब दीजिए भाई रूमा देवी दिमाग में छाप लेना एग्जाम आ सकता है तो पहला कथन आपके गलत हो जाएगा बाकी देख लेना कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार के इनको सम्मानित किया गया था और हस्तशिल्प के क्षेत्र में क्षेत्र कौन सा था हस्तशिल्प इन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई थी नेक्स्ट इस सवाल आता हुआ कि मौर्य कालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है भाई यक्ष नाम से अंकित मूर्ति है वो कौन से स्थान से मिली है बताओ देखें मात्र पांच सेकंड है आपके पास बिल्कुल है शानदार भाई परखम क्या हो जाएगा परखम मानसिंह प्रथम ने पंद्रह सौ में बिहार अभियान के दौरान किससे पराजित किया था रट लेना प्यारे साथियों हर एक सवाल को एक एग्जाम में सिंगल सवाल हमारे मॉडल पेपर से बाहर कभी भी नहीं जाता तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने है ये लीजिए भाई चारों ऑप्शन बिल्कुल शानदार प्यारे साथियों ही पूर्ण मल क्या हो जाएगा पूर्ण मल निम्नलिखित कूट एक व कूट दो को सम्मिलित कीजिए ये सवाल आजकल एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं तो चलिए भाई आप और हम दोनों मिलकर सम्मिलित करते हैं एक साइड आपको रचनाएं दी गई है दूसरी साइड आपको रचनाकार दिए गए हैं तो बताओ देखें हमीर हट रचना है वो किसने की हमीर हट के रचयिता कौन है रचनाकार का नाम क्या है प्यारे साथियों बिल्कुल भाई चंद्रशेखर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों चंद्रशेखर हमीर महाकवि अपने दिमाग पे सोचते रहना हर एक सवाल का राइट आंसर आपकी तैयारी इतनी लाजवाब होगी कि इस बार सिलेक्शन प्यारे साथियों आप सभी का हंड्रेड परसेंट होने वाला है हमीर महाकवि कितने आपके नयन चंद्र सूरी हमीर रासो ये तो बेसिक है आप सभी को आता होगा जोधराज हमीर मदमर्दन इसका भाई कौन था बताओ देखें बिल्कुल सिंह सूरी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों जय सिंह सूरी और उसके बाद में हमीरयन तो प्यारे साथियों आपके बांडव व्यास ये चारों पांचों रचनाएं हैं वो दिमाग में छाप लेना एग्जाम में छपने के पूरे आसार है उन्नीस में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के बन स्विट्जरलैंड में हुए सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाई किसने भाग लिया था फटाफट जवाब चाहिए मुझे हर एक के साथी का एग्जाम नजदीक है प्यारे साथियों चंद दिन शेष बचे हैं तो राइट आंसर प्यारे साथियों मुकुट बिहारी लाल बारगो मुकुट बिहारी लाल बारगो नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वो किसने किया 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया भाई दिमाग पे जोर डालो और बताओ देखें 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया यह कि किया था प्यारे साथियों बक्तावर सिंह ने किसने किया था बक्तावर सिंह ने निम्नलिखित तो में से एसुमेलित एस युगम का चयन कीजिए भाई एसुमेलित एस युगम का चयन करना है एक युगम है वो गलत है बाकी तीनों सत्य है तो चलिए भाई पहचान करते हैं जूना मेल डूंगरपुर बिल्कुल सत्य है एक खंबा मेल जोधपुर ये भी सत्य है प्यारे साथियों लेकिन सुनेरी कोटी झुंझुनू गलत हो जाएगा जाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ ये भी भाई बिल्कुल सत्य है जीर्ण माता किस राजवंश की इष्ट देवी मानी जाती है जीर्ण माता है वो भाई कौन से राजवंश की इष्ट देवी मानते हैं बताओ फटाफट देखें बिल्कुल शानदार चौहान क्या हो जाएगा चौहान निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एक साइड आप सभी को मेले दिए गए दूसरी साइड आप सभी को स्थान दिए गए तो बताओ देखें चार भुजा नाथ का मेला कौन से स्थान में भरता है भाई? चार नाथ का मेला आराम से सोच समझ कर भाई दिमाग में सोचना है बिल्कुल शानदार भाई राज राज क्या हो जाएगा प्यारे साथियों बतरारी का मेला कहां पर भरता है कौन से स्थान पर भरता है बिल्कुल अलोवर है सीताबाड़ी का मेला यह तो हो जाएगा आपके बारह और कपिल मुनि का मेला बीकानेर बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ नेक्स्ट सवाल लेना चाहूंगा इसी के साथ में कि मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है भाई मोटड़ा है वो वेशभूषा के कौन से प्रकार में आता है प्रकार कौन सा है भाई मोटड़ा का सोचो देखें बिल्कुल और नहीं, आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है किस शासक को प्रथम चरण में राज प्रमुख बनाया गया प्रथम चरण में भाई राज प्रमुख कौन से शासक को बनाया गया प्रथम चरण में राज प्रमुख तो ये थे आपके उद्यपान सिंह सिंह नीमच छावनी में चालीस अंग्रेज परिवारों को महाराणा पर शरण दी महाराणा जो आपके स्वरूप सिंह है इन्होंने भाई कौन से स्थान पर शरण दी थी जल्दी से जवाब दो देखें महाराणा स्वरूप सिंह कौन से स्थान पर शरण दी थी स्थान था प्यारे साथियों जग मंदिर कौन सा था जग मंदिर बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक के समय में हुआ बूंदी की जो आपकी चित्रशाला है इसका निर्माण कौन से शासक के समय हुआ था जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। बिल्कुल। राव उमेद सिंह क्या हो जाएगा राव उमेद सिंह निम्नलिखित में से किस तिथि को जसनाथ जी के मेले का आयोजन नहीं होता जसनाथ जी का जो मेला है इसका आयोजन नहीं होता भाई कौन सी तिथि को कितना शानदार और शानदार लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल आपको देखिए भाई तो राइट आंसर आपके प्रथम हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाह से संबंधित गीत नहीं है विवाह से संबंधित कौन सा गीत नहीं है वादा किया है साथियों वादे को निभाया जाएगा हर एक सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना एग्जाम इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा तो राइट आंसर आपके पपै हो जाएगा क्या हो जाएगा पपै निम्नलिखित में से एस्मिलित युगम कौन सा है? एस सुमलित युगम कौन सा भाई इनमें से एस्मिलित युगम कौन सा है बताओ देखें बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन डी आपके बिल्कुल असंगत है नेक्स्ट सवाल लेना चाहूंगा टाइम वेस्ट किए बिना कि बखनाथ जी संतदास जी जगन्नाथ जी और माधोदास नामक संतों का संबंध है वो निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था भाई कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों यूँ यू आर ओ भर्ती के लिए तो बताओ देखें फटाफट है तो ये हो जाएगा आपके दादू पंथ क्या हो जाएगा दादू पंथ सूची एक को सूची दो के साथ में सुमिलित करना है एक साइड प्यारे साथियों आप सभी को तीर्थकार दिए गए दूसरी साइड उनके संज्ञान दिए गए हैं तो बताओ देखे पार्श्वनाथ का संज्ञान क्या था फटाफट जवाब तो देखे बिल्कुल प्यारे साथियों था आपके सर्प आदिनाथ का कौन था आदिनाथ का था आपके वृषभ और महावीर का कौन था महावीर का था आपके सिंह और शांतिनाथ का कौन था यह था आपके हिरण लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं बढ़ती नजदीक है हर एक सवाल को रट लेना भाई अभी के भी राजस्थान में कहा वैदिक यंत्रालय छापखाना स्थापित किया गया है वैदिक यंत्रालय जो आपके छापाखाना है वो प्यारे साथियों कहां पर स्थापित किया गया है जीके पढ़ी है तो आप सभी को इसका आंसर आना चाहिए भाई बिल्कुल शानदार भाई अजमेर कहां पर है अजमेर में निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिंडर के सोलह सिक्के प्राप्त हुए भाई शासक मिंडर है इनके भाई सोलह सिक्के प्राप्त हुए कौन से स्थल से स्थान का नाम बताओ देखे तो स्थान हो जाएगा आपके बेराट कौन सा हो जाएगा बेराट निम्नलिखित में से कौन सा शासक है वो गुजर प्रत्यार राजवंश से संबंधित नहीं गुजर प्रत्यार राजवंश से संबंध नहीं रखता कौन सा ऐसा शासक है उस शासक का नाम प्यारे साथियों आप सभी को बताना है बिल्कुल मेरे शेर बस्तर बट प्रथम शानदार जवाब बता हुआ नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था भाई तो किसके लिए नैमितिक पदनाम का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता था तो ये हो जाएगा आपके राजकीय ज्योतिष के लिए क्या हो जाएगा राजकीय ज्योतिष के लिए क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारे लाल हत्याकांड में सजा मिली थी कौन था वे क्रांतिकारी जिससे महंत प्यारे लाल हत्याकांड हुआ था उसके अंतर्गत भाई उसको सजा दी गई थी तो उसका नाम था मेरे शेर केसरी सिंह बार्ट क्या नाम था केसरी सिंह बार्ट नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए कि निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1817 18, 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी भाई कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों बिल्कुल चार्ल्स मेटकोफ क्या हो जाएगा चार्ल्स मेटकोफ देशी रियासत जो 15 25, 25 मार्च 1948 को गठित है संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी कौन सी वह देशी रियासत थी जो आपके भाई संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी तो उसका नाम था मेरे शहर उदयपुर क्या नाम था उदयपुर त्याग भूमि के संपादक कौन थे जो आपके त्याग भूमि है इसके प्यारे साथियों संपादक कौन थे त्याग भूमि के बिल्कुल शानदार हरिबाहु उपाध्याय कौन थे हरिबाहु उपाध्याय चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है तो कौन सा एक जैन मंदिर है जवाब दो देखें जैन मंदिर कौन सा है भाई तो जैन मंदिर है आपके सातवीं देवरी कौन सा है से देवरी निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार है वो अलवर शैली की चित्रकला से संबंध नहीं रखता अलवर शैली की जो चित्रकला है उससे संबंध नहीं रखता बताओ देखें बिल्कुल मेरे शेर नानक राम क्या हो जाएगा नानक राम निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं इनमें से प्यारे साथियों कौन सा सुमिलित नहीं एक साइड आपको रचना दी गई है एक साइड आपको लेखक दिए गए तो रचना का नाम है बोल बारमली। बोल बारमली है इसके बाद लेखक कौन है बिल्कुल भाई गलत दिया गया पहला कथन पहला गथनी आपके गलत दिया गया है तो आराम से भाई सोचने समझने वाली बात नहीं है पहला गलत हो जाएगा और बाकी तीनों आपके सत्य है एक बार रिवीजन कर देना भाई गौरी देवी जिस से गायन शैली से संबंध रखती थी वह कौन सी है बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आप सभी को आता होगा गौरी देवी का नाम आते ही मांड मांड प्रसिद्ध गायिका गौरी देवी यह आप सभी के दिमाग में छप जाना चाहिए भाई अभी के अभी के नारी संत दयाबाई शिष्या थी अब जो आपके दयाबाई है वो किसकी शिष्या थी भाई दयाबाई किसकी शिष्या थी नगर पालिका में इसी तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है प्यारे साथियों तो ये हो जाएगा आपके संत चरण दास की किसकी संत चरण दास गर्षिया जनजाति संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? गर्षिया जनजाति संबंधित नृत्य शैली कौन सी है भाई गर्षिया। बिल्कुल मेरे शेर लूर क्या हो जाएगा लूर नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए ये लीजिए भाई महत्वपूर्ण तो सवाल ले रहा हूं मैं प्राचीन नगर है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है कौन सा है वे प्राचीन नगर है जिसका उल्लेख इन दोनों में किया गया भाई महाभारत में भी है और मां भाष्य में भी है तो उसका नाम है मेरे शेर मध्यमिका नगरी कौन सा मध्यमिका अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है कौन सा है वो अभिलेख तो वे हो जाएगा आपके गोसुंडी अभिलेख कौन सा है गोसुंडी अभिलेख लीजिए प्यारे साथियों क्लास को तो आगे बढ़ाते हैं यह आपके सामने आता हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था स्टार कर लेना प्यारे साथियों आपको यह देखना है कि कुंभा के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे तब भी आप इस तरीके के सवाल अटेंड करके आ पाओगे तो उसका नाम था मुनि जीन विजय सूरी बाकी ये तीनों आपके विद्वान कुंभा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध रखता है भाई अली बख्शी जो आपके ख्याल है वो संबंध रखता है कौन से क्षेत्र से क्षेत्र का नाम आप सभी को पता होना चाहिए तो उसका नाम है मेरे साथ ही अलवर क्या हो जाएगा अलवर राजस्थान का संक्रिय नृत्य है वो किससे संबंध रखता है संक्रिया नृत्य है वो किससे संबंध रखता है संक्रिया तो संक्रिया रखता है आपके कालबेलिया से किससे काल से निम्नलिखित में से कौन सा युगम है वो सुमिलित है सुमिलित है सवाल को पढ़ना है आराम से एक साइड आपको नाम दिए गए हैं दूसरी साइड आपको ग्रंथ अर्थात संगीत के दिए गए हैं तो बताओ देखें बिल्कुल भाई पहला कथन बिल्कुल सत्य है पुणरिक विठल है यह आपके रागमाला ग्रंथ है ध्यान रखना आप सभी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करते भाई फटाफट सबसे महत्वपूर्ण क्लास सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने आता हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है सीटी ग्रेजुएशन लेवल वाले के पेपर में इसी तरीके का सवाल देखने को मिला था तो सभी साथ ही एक बार आराम से बताओ देखें क्या होगा इसका राइट आंसर आराम से देख लो एक बार जो सवाल आपके पिछले एग्जाम आए हुए हैं सारे वही मैं आपको करवा रहा हूं यानी आपके लेवल के सवाल है सारे के सारे तो आराम से अटेंड करो देखा सवाल को तो राइट आंसर आपके शेर जरगा सज्जनगढ़ और तारागढ़ हो जाएगा भाई शेर जरगा सज्जनगढ़ और तारागढ़ राजस्थान की किस झील को रामसर आद्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया भाई रामसर सर भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। कौन सी झील को तो झील है प्यारे साथियों झील कौन सी झील सांबर झील राजस्थान सरकार के द्वारा पेली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया पेली वन नीति है इसका अनुमोदन कब किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा जवाब दो देखे फटाफट तो ये तो हो जाएगा आपके फरवरी 2010, फरवरी 2010 राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की कितना शानदार लेटेस्ट सवाल है प्यारे साथियों आप सभी के लिए एग्जाम में डिटो सवाल छपेंगे देख लेना भाई तो 2010 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चौधरी कुंभारात नेर द्वारा लाभान्वित जिला युगम कौन सा नेहर का क्या नाम है चौधरी कुंभारात इसके द्वारा भाई लाभ पाने वाले जिले कौन से तो जिले हैं एक तो हनुमानगढ़ और एक आपके झुंझुनू हनुमानगढ़ और झुंझुनू गलत युगम की पहचान करना है एक साइड आपको खनिज दिए गए हैं दूसरी साइड आपको खान दी गई है तो बताओ देखे भाई गलत युगम कौन सा फटाफट बताओ देखे बिल्कुल कथन फैला गलत हो जाएगा भाई जिप्सम गलत है गुलाबी संगमर बाबर शानदार तामड़ा राजमहल यूरेनियम कुराडिया तो इन तीनों को ध्यान रखना एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण तो सवाल है ये जनगणना दो के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाए ये सवाल आते हैं जनगणना से संबंधित एक सवाल हंड्रेड परसेंट आएगा लिख कर ले लो आप तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके जयपुर जोधपुर अलवर और नागौर हो जाएगा जयपुर जोधपुर अलवर और नागौर वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं भाई सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखने वाले जिले कौन से बिल्कुल शानदार बीकानेर और नागौर बीकानेर और नागौर, लीजिए प्यारे साथियों नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं जनकपुरा और सरवाड़ खाने वो कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है जनकपुरा और सरवाड़ खाने बताओ देखें कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है बिल्कुल मेरे शेर ये हो जाएगा आपके तामड़ा क्या हो जाएगा तामड़ा लीजिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए शानदार सवाल क्लियर करेंगे भाई निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था कौन था वे शख्स वे था प्यारे साथियों आपके जस्टिस प्रेमचंद्र जैन जस्टिस प्रेमचंद्र जैन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए फटाफट मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई अभी के अभी कितनी सेवाओं की राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई है भाई कितना शानदार सवाल है यही सवाल आपके यू के एग्जाम में देखने को मिलते हैं भाई देख लेना सत प्रतिशत रिजल्ट देखने को मिलेगा आप सभी को तो राइट आंसर प्यारे साथियों एक सौ आठ हो जाएगा क्या हो जाएगा एक सौ आठ नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान दर क्या थी भाई? बिल्कुल प्यारे साथियों एक तरीके से आप इसको करंट अफेयर का सवाल भी मान सकते हो तो राइट आंसर आपके छिहत्तर पॉइंट उन्नीस परसेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा छिहत्तर पॉइंट उन्नीस परसेंट नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह कौन सा था बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं सभी को आता होगा एग्जाम में बेसिक, बेसिक लेवल के सवाल भी आते हैं और हार्ड लेवल के सवाल भी आते हैं सभी को कवर करते चलेंगे राइट right आंसर आपके राम राज्य परिषद हो जाएगा क्या हो जाएगा राम राज्य परिषद प्रथम आम चुनाव की बात हो रही है किन वर्षों में संभाग के आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया स्टार कर लेना प्यारे साथ ही इस सवाल को अभी के भी। जो संभाग संभाग्य पद है इसको समाप्त भी किया गया और पुनर्स्थापित भी किया गया तो वे वर्ष कौन कौन से तो वर्ष है आपके उन्नीस में तो समाप्त किया गया और उन्नीस में इसको पुनर्स्थापित किया गया लीजिए भाई क्लास को आगे बढ़ाते हैं सभी साथी भाई एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें वहां पर आप सभी को पी वगैरह और महत्वपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे यूआरओ आर भर्ती के लिए संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सबसे भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है इनमें से भाई कौन सी आपके भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है जवाब दो देखें सभी ई के साथियों बिल्कुल भाई सभी साथियों का जवाब आता हुआ संसद के सदनों को संदेश भेजना यह आपके राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत इस पर इस तरह पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है तो किसे किया है प्यारे साथियों सोचो देखे एक बार सभी साथी पांच सेकंड का टाइम है आपके पास तो यह हो जाएगा प्यारे साथियों आपके ग्राम सेवक क्या हो जाएगा ग्राम है, सेवक राजस्थान में एक ग्राम सभा कैसे बनती है अब अगर आपको ग्राम सभा बनानी है तो आप ग्राम सभा किस प्रकार से बनाओगे ये आप सभी को पता होना चाहिए शानदार सवाल है एग्जाम में ये सवाल काफी बार आ चुका है तो ग्राम सभा बनती है आपके पंचायत सर्किल में आने वाले गांव गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से सॉरी तो ध्यान रखना भाई नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा के आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता इनमें से ऐसा कौन सा मामला है जिसके अंतर्गत हम राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं ले सकते फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल मेरे शेर सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय अब भाई क्या आवश्यक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए सोचो देखें एक बार सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में यह सवाल आते हैं तो इग्नोर मत कीजिएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई यह जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो तो ध्यान रखना भाई उसे छह माह के अंदर अनावश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना बता दिया मैंने निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया था कि भारत का राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है यह सवाल शानदार अति महत्वपूर्ण पोलिटी का शानदार सवाल आपके सामने है सभी साथियों को इसका जवाब आना चाहिए बिल्कुल बयालीसवासके द्वारा बयालीसवें के द्वारा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है तो ये हो जाएगा आपके प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्रधानमंत्री का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसको हाउस ऑफ एंडर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है भाई हाउस ऑफ एंडर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है बिल्कुल शानदार भाई राज्यसभा क्या हो जाएगा राज्यसभा निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया जो आपके मंत्रिपरिषद का आकार है इसको परिसीमित किया गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बिल्कुल शानदार मेरे भाई इक्यानवे संविधान संशोधन के द्वारा इक्यानवे संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है बिल्कुल शानदार जवाब बता हुआ मेरे सभी यू के साथियों का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन कौन से राष्ट्रपति मोदियों का निधन है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ यानी ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति थे जिनका निधन है वो राष्ट्रपति का पदभार संभालते समय हो गया तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके एक तो जाकिर हुसैन जी थे और एक थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए ये बाघ बे जिसमें चालीस सवाल आप सभी को देखने को मिलते हैं सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा गिन लेना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम दो हजार नौ की धारा पांच में क्या नीति है स्टार कर लेना अभी के अभी धारा पांच में क्या नीत है भाई तो धारा पांच में है प्यारे साथियों यूं नगर पालिका की स्थापना क्या है नगर पालिका की स्थापना राज्य सरकार है वो नगर पालिका के परिसीमन के अंतर्गत निम्न में से क्या कर सकती है फटाफट जवाब तो देखें परिसीमन के अंतर्गत क्या क्या कर सकती है भाई नगर पालिका के परिसीमन के लिए राज्य सरकार तो ये सारे काम कर सकती है भाई नगर पालिका घोषित कर सकती है किसी भी स्थानीय क्षेत्र को स्थानीय क्षेत्र से नगर पालिका से अपर्जित कर सकती है नगर पालिका को अन्य नगर पालिका में सम्मिलित कर सकती है यानी कि राज्य सरकार है वो कुछ भी कर सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान राज्य अधिनियम 2009 की धारा चार में क्या नहीं थे धारा चार पाँच में ऊपर बता दिया अब बताओ धारा चार में क्या है तो धारा चार में पैर साथियों ये देखे भाई यहाँ नीचे छिपा हुआ है नगर बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तनों से छूट देने की शक्ति को अनुपयुक्त है धारा चार में भाई ये बातें नगरपालिका लेखा निर्देशन को तैयार किए जाने का प्रावधान कौन सी धारा में नगर पालिका लेखा निर्देशन को तैयार किए जाने का प्रावधान तो यह है प्यारे साथियों धारा इक्यानवे में धारा इक्यानवे में नगर पालिकाओं के परिसीमन करने की शक्ति प्राप्त है तो किसको प्राप्त है भाई नगर पालिकाओं के परिसीमन करने की शक्ति तो यह हो जाएगा आपके राज्य सरकार को किसको है राज्य सरकार को संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका को संविधानिक दर्जा दिया गया है नगर पालिका को है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया है कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से बिल्कुल शानदार जवाब चौहत्तरवा क्या हो जाएगा चौहत्तरवा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम दो के किस धारा का संबंध है वो नगर पालिका की वार्डों के अवधारणा से है किस धरा का संबंध है वो नगर पालिका की वार्डो की अवधारणा से है भाई बताओ देखें बिल्कुल मेरे शेर दसवां क्या हो जाएगा दसवां राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या क्या है राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या क्या है तो ये है आपके 213 क्या है 213 नगरपालिका नगर पालिका की संरचना में सम्मिलित है तो भाई संरचना में सम्मिलित क्या क्या है नगरपालिका की

तो प्रावधान है आपके धारा सत्ताइस में इनमें तो भाई आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए पांच सेकंड के ये सारे सवाल है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख है वो कौन सी धारा में किया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो भी शक्तियां है कर्तव्य है उनका उल्लेख किया गया है पहले साथियों धारा सोलह में इसमें किया गया है धारा सोलह नगर पालिका के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच है वो कौन करता है मान लीजिए नगर पालिका का कोई सदस्य उस पर आरोप लगे तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी तो जांच की जाएगी पहले साथियों जिला न्यायाधीश की रैंक के समक्ष न्यायिक अधिकारी के द्वारा कितना शानदार सवाल है देखिए 337 के अधीन शपथ लेने में विफल होने पर अब कौन सी कार्रवाई की जाएगी क्या किया जाएगा बताओ देखें बिल्कुल पद है वो रिक्त माना जाएगा पद को है रिक्त माना जाएगा नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता संबंधी याचिका है वो किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है भाई जो भी अध्यक्ष है उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता संबंधी याचिका तो ये पेश करते हैं प्यारे साथियों किसके सामने ये करते हैं हमें जिला न्यायाधीश के सामने जिला न्यायाधीश नेक्स्ट क्वेश्चन कि नगर पालिका के कर्त्यो का उल्लेख है वो कौन सी धारा में कर रखा है भाई जो भी कर्त्य है कार्य से लिए उसका उल्लेख भाई कौन सी धारा में कर रखा है नगर पालिका के तो राइट आंसर प्यारे साथियों धारा पैंतालीस हो जाएगा भाई धारा पैंतालीस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यों का उल्लेख है वो अधिनियम की किस धारा में करे क्या भाई अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष हो गए इनके जितने भी कार्य है उनका उल्लेख भाई किस में किया गया है तो ये किया गया है आपके धारा फोर्टी एट धारा अड़चास कार्यपालक समिति के सदस्य कौन होते हैं कार्यपालक समिति के सदस्य कौन होते हैं तो ये होते हैं आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता नगरपालिका समिति में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है भाई नगरपालिका समिति में तो ये हो जाएगा आपके दस कितनी हो सकती है दस समितियों में सदस्यों के अलावा बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान कौन सी धारा में तो धारा वाले सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी ध्यान रखना भाई काफी सवाल आएंगे देख लेना तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके धारा छप्पन हो जाएगा धारा फिफ्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नगर पालिका की ओर से संदर्भ कार्य के निष्पादन हेतु संविदा करेगा तो किसके द्वारा करेगा भाई कौन करेगा यह करेगा आपके राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति में क्या प्रावधान है धारा तेहत् में क्या भाई सेवेंटी थ्री तो इसमें भाई आपके संपत्ति का अंतरण और संपत्ति की संविदा नगर पालिका के भूमि आवंटन के प्रस्ताव की शुद्धता और वेधता की जांच कौन कर सकता है और वेदता की जांच कौन कर सकता है बिल्कुल एक तो राज्य सरकार और एक तो आपके राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति निम्न में से नगरपालिका निधि में जमा होगा तो कौन होगा भाई नगरपालिका निधि में जमा बिल्कुल मेरे शेर एक तो आपके नगर पालिका के द्वारा वसूल धन और एक आपके नगर पालिका द्वारा अन्यता प्राप्त धन ये आपके नगर पालिका निधि में जमा होते हैं नगर पालिका की प्राप्तियों और वे रखे जाएंगे किस में रखे जाएंगे प्राप्तियां और वे बिल्कुल शानदार अन्य लेखा शीर्ष साधारण लेखा शीर्ष और लेखा शीर्ष में नगर पालिका की संपत्ति की तालिका और मानचित्रण संधारण संबंधी है वो प्रावधान अधिनियम की किन धाराओं में किया गया है यह सवाल भी भाई शानदार लेवल का सभी साथी दिमाग में छाप लेना अभी के अभी तो धारा चौहत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा धारा चौहत्तर राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक दो के अनुसार नगर परिषद में मनोनीत पार्षदों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का सभी साथी दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लो अभी के अभी तो आठ कर दी गई है भाई कितनी कर दी गई है आठ नेक्स्ट सवाल किसी मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन को किराए पर लेने के संदर्भ में निम्न में से क्या एक भ्रष्ट आचरण है इसका जवाब तो देखें आप सभी ये लीजिए भाई चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं बिल्कुल मतदाताओं के लिए वाहन योजना में समय को सुमलित करें मास्टर विकास योजना है उसको बताओ देखें मास्टर विकास योजना कितने वर्ष की बिल्कुल भाई बीस वर्ष कितने वर्ष मास्टर नाम आता है बीस वर्ष आपके दिमाग में छपना चाहिए भाई निष्पादन योजना इसका हो जाएगा पांच वर्ष और वार्षिक नगर पालिका योजना एक वर्ष वार्षिक नाम आता है एक धारा एक के तहत विकास क्षेत्र के कौन से कार्य वो अपराधिकृत और असंगत होंगे तो कौन से ऐसे कार्य भाई कार्य प्यारे साथियों आपको बिना अनुज्ञा किए गए कार्य और अनुज्ञा की शर्त का उल्लंघन अपराधिकृत विकास व भूमि के उपयोग का परिवर्तन करने पर जुर्माना कितना होता है यह सवाल भी बैठ लेना अभी कभी तो जुर्माना होता है प्यारे साथ आपके पांच हजार रुपए कितने का पांच हजार रुपए का धारा दो सौ निन्यानवे समझौता करने वाला व्यक्ति सशक्त व्यक्ति है इसकी कार्रवाई को विनियमित करेगी तो कौन करेगी विनियमित यह करेगी आपके केवल राज्य सरकार इंदिरा रसोई योजना की समीक्षा किसके द्वारा की जाएगी इंदिरा रसोई योजना की समीक्षा कौन करेगा बिल्कुल जिला स्तरीय समिति और जिला कलेक्टर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा इंदिरा रसोई योजना की मॉनिटरिंग के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होगा कौन होगा भाई अध्यक्ष तो अध्यक्ष होगा आपके जिला कलेक्टर स्वच्छ भारत मिशन शहरी टू के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण दो के आठवें आयोजन की थीम क्या रखी गई तो थीम थी आपके वेस्ट टू वेल्थ वेस्ट टू वेल्थ निम्न में से कौन सा असंगत है इनमें से भाई कौन सा असंगत है तो संगत है आपके 18 बैठक का निलंबन नेक्स्ट महत्वपूर्ण तो सवाल लेते हैं ये लीजिए भाई राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कृतिय नियम 2009 से कौन सी धाराएं संबंधित है बिल्कुल एक तो धारा 55 एक धारा इकसठ स्वच्छ भारत मिशन शेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है तो ये तीनों ऑप्शन आराम से देख लेना त्याग की प्रथा को समाप्त करना हाथ से सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना नगरीय ठोस अपशिष्ट को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन तो भाई करंट अफेयर के सवाल है बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो करंट अफेयर के सारे सवाल डाल दूंगा यूआरओ भर्ती के लिए जो अति महत्वपूर्ण है उनसे बाहर कभी सवाल नहीं जाता क्लास पसंद लाइक जरूर करें डेली क्लास रहती है नगर पालिका भर्ती शानदार मौका है इस बार रोजगार पाने का तो मिलते हैं प्यारे साथियों कल एक शानदार यूआरओ आर ओ मॉडल पेपर दो हजार के साथ में शानदार प्रैक्टिस सेट चल रहा है रोजाना जे हिंद जय भारत वंदे मातरम